नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंप्रेसर, अगर आपका 2 मिनट चल के 1 मिनट चल के अगर आपका कंप्रेसर बंद हो जा रहा है, यानी फ्रीज आपका बंद हो जा रहा है, तो उसको कैसे चेक करें। ठीक है, दोस्तों आज हम इसमें चेक करने वाले हैं कि ये पार्ट्स अगर ख़राब हो गया आपका, तो ये बिना पार्ट्स बदले हुए इस कंप्रेसर को कैसे चेक करें, अपने फ्रिज को कैसे चेक करें, पार्ट्स सही है या ख़राब है या कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, तो कैसे चेक करें, चलिए चेक करते हैं। दोस्तों बिना पार्ट्स बदले अगर हमको चेक करना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसका एम्पियर ज़्यादा ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, अगर एम्पियर ज़्यादा ले रहा है तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आप मेन पावर को डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के बाद हम इसको या तो मीटर से चेक कर सकते हैं, इस तरह के मीटर से चेक कर सकते हैं, या फिर हम सीरीज से चेक कर सकते हैं या सीरीज बल्ब से। तो सबसे पहले हम इसको मीटर से चेक करेंगे कि इसका बाइंडिंग सही है कि नहीं है। क्वांटिटी पे डाल के चेक करेंगे, क्वांटिटी का बजर आ रहा है। ठीक है, तीनों दिखा रहा है, मतलब ये सही है। अब इसका बॉडी भी चेक कर लेंगे हम, कहीं भी बॉडी पे टच करके। ये हमारा बॉडी भी ओके है। ठीक है, या फिर हम इस तरह की सीरीज लैंप की मदद से चेक कर सकते हैं, ये सीरीज टेस्टर है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वाइंडिंग बराबर दिखा रहा है। ठीक है, वाइंडिंग बराबर दिखा रहा है, तो बिना पार्ट्स बदले हम कैसे चेक कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस तरह का वायर होना चाहिए। ठीक है, ये हमने पहले से बना रखा है कंप्रेसर फ्रीज चेक करने के लिए। ठीक है, ये तीन थिम्बल लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आकर के ये एक कट कर दिया है, यहाँ से दो ही लाइन न्यूट्रल के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम एक इसमें लगा देंगे और एक इसमें लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से लगा देना है। ये हमारा स्टार्टिंग हम लास्ट वाला लगा देंगे। ठीक है, ये स्टार्टिंग का वायर यहाँ पे हम खाली रखेंगे, ये इसमें सप्लाई नहीं देना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक वायर बीच से कट किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम चेक करेंगे। इसको मेन सप्लाई में लाइन न्यूट्रल दे देना है, स्विच ऑफ करके हम ये सप्लाई दे देंगे। सप्लाई देने के बाद हम इसको ऑन कर देंगे, ये जो हमारा स्टार्टिंग वायर है वो इसमें हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट करके फिर इसको हटा देना है। यहाँ देखेंगे इसमें हमारा कंप्रेसर चालू हो गया। ठीक है, ये हमारा कंप्रेसर ख़राब नहीं है, ये हमारा कंप्रेसर ओके है।
और हम इसको इसमें अब हम पार्ट्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि पार्ट्स हम नया ला करके लगाते हैं उसके बाद भी सेम प्रॉब्लम ही रहता है, कंप्रेसर का ही प्रॉब्लम रहता है, हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो पार्ट्स चेंज करने से पहले हम कंप्रेसर को इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग का वायर हटा दिया है। ठीक है, इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट तक आप चला सकते हैं, बस 2 से 3 मिनट तक ही चेक करें। ये देखें चालू है। ठीक है, इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।